जान बचाने वालों की जान लगातार क्यों जा रही है, क्यों धरती पर भगवान कहे जाने वाला अब टूटता और रूठता जा रहा है। जो लाखों जिंदगियों को बचा सकता था वो अपनी जिंदगी को अलविदा आखिर क्यों कह रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं शेष भारत। ये ऐसे सवाल हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, क्योंकि देश में मेडिकल स्टूडेंट के आत्महत्या का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, जो इन सवालों को पूछने को मजबूर कर रहा है। क्योंकि हमारे समाज में डॉक्टर को काफी ज्यादा सम्मान दिया जाता है, क्योंकि वो अपनी ट्रीटमेंट और समझदारी से मरीजों की जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो अपनी ही जिंदगी खत्म करने लगे तो हैरान और दुख होना लाजमी है। क्योंकि एक आंकड़ा कहता है कि पिछले 5 सालों में 64 MBBS 58 पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले 122 मेडिकल छात्रों ने आत्महत्या कर ली। और तो और, यह आंकड़ा भी सामने आया कि इसी साल देश भर के मेडिकल कॉलेजों से 1270 छात्रों ने पढ़ाई ही छोड़ दी। दरअसल RTI के तहत पूछे गए सवालों के जवाब में ये आंकड़े सामने आए हैं, जो काफी भयावह है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है। तो पता चला कि मेडिकल स्टूडेंट पर पढ़ाई का प्रेशर काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा कई बार उनके ड्यूटी आवर्स हद से ज्यादा लंबे कर दिए जाते हैं, कभी कभी तो 36 घंटे तक, इसलिए उन्हें आराम कम मिलता है, काम का खराब माहौल होता है, टॉक्सिक सीनियर्स, वक्त और सपोर्ट सिस्टम की कमी के कारण उन्हें मेंटल हेल्थ को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। जब इसकी और वजह जाननी चाहिए तो सामने आया कि कुछ मेडिकल कॉलेजों में अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन के बाद कॉलेज छोड़ना चाहता है तो उन्हें 50 लाख रुपए का जुर्माना देना होता है और अगले 3 साल तक स्टूडेंट परीक्षा नहीं दे पाता। बॉन्ड की राशि अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, इसलिए ऐसे छात्रों के लिए कोई रास्ता नहीं बचता। ये भी आत्महत्या की एक बड़ी वजह मानी जाती है। खैर, जब आप जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे होते हैं तो एक डॉक्टर ही जो आपको सबसे ज्यादा हिम्मत देता है, हम आपको बचा लेंगे ये कहता है, लेकिन ये कैसे मजबूरी है कि दूसरों का जीवन बचाने वाले खुद अपना जीवन खत्म कर रहे हैं। इस पर सरकारों को ध्यान देना होगा, नहीं तो ये मौत के आंकड़े और भी सामने आ सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में राजस्थान में कोचिंग सिटी के नाम से मशहूर कोटा में फिर से एक 16 वर्षीय छात्रा ने खुद को फांसी लगाकर जान दे दी थी। वह मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी और 2023 में तो यानी सिर्फ 1 साल के अंदर ही 25 छात्र छात्राएं खुदकुशी कर चुके थे। ये डॉक्टर बनने के सपने संजोए हुए आए थे, लेकिन ये सपना अब इनका कभी पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि तेजी से मेडिकल स्टूडेंट आत्महत्या कर रहे हैं। दुनिया भर में सालाना करीब 8 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं, इनमें से 1,35,000 भारत के निवासी हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2019 में आत्महत्या करने वाले सबसे ज्यादा लोग भारत के मेडिकल स्टूडेंट्स थे। जिसके बाद एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि देश में सबसे ज्यादा तनावग्रस्त मेडिकल छात्र रहते हैं। ये बात भी सामने आई कि आम लोगों की तुलना में मेडिकल क्षेत्र में आत्महत्या की 2.5 गुना ज्यादा घटनाएं हो रही हैं। दरअसल करीब करीब सभी मेडिकल कॉलेजों में आत्महत्या की घटना देखने को मिल रही है। कुछ ऐसे ही हालात साल 2010 से 2019 के बीच देखने को मिले थे, जब सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुई थी। 2010 से 2019 में सबसे ज्यादा मेडिकल छात्रों ने आत्महत्या कर ली थी। कुल 125 मेडिकल छात्रों, 105 रेजिडेंस डॉक्टरों, 128 डॉक्टरों ने खुदकुशी कर ली थी। सबसे ज्यादा 22.4% एनेस्थीसियोलॉजी, 16% प्रसूति स्त्री रोग विज्ञान के छात्रों ने आत्महत्या की थी। इसके अलावा 45.2% मेडिकल छात्रों, 23.1% रेजिडेंस, 26.7% डॉक्टरों ने प्रताड़ना, जाति आधारित भेदभाव, शैक्षिक दबावों और वैवाहिक कलहों की वजह से जान दे दी थी। उनमें से सिर्फ 13% ने आत्महत्या से पहले मनोचिकित्सक की सहायता ली थी। खैर, अब 2024 में भी ऐसे मामले रुक नहीं रहे हैं, जो कई बड़े सवालिया निशान उठा रहे हैं। फिलहाल युवाओं में आत्महत्या करने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा 18 से 30 साल के युवा शामिल हैं।
एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि देश में हर 4 मिनट में एक युवा आत्महत्या कर रहा है, लेकिन इसको रोकने का कोई उपाय अभी किसी के पास नहीं। और अगर देश में ऐसा लगातार होता रहा तो देश, वो भविष्य जिन्हें हम युवा कहते हैं, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।